आवेदन लोगों ने भरा, फॉर्म भरा, परीक्षा दिया और रिजल्ट भी आ गया और नियुक्ति पत्र भी वितरण हुआ। देश के इतिहास में आज तक लाखों की तादाद में किसी एक विभाग ने नौकरियां नहीं दी होगी, वो आज महागठबंधन की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के करके दिखाने का काम किया है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप समझिए, जब एक साल के भीतर ही हम लोग 4 लाख बाली निकाल देंगे, ये तो 2 साल भाजपा वाले लोग बर्बाद कर दिया, नहीं तो कब का 10 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन आने वाले समय में जो हम लोगों का कमिटमेंट था, वो उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी और उसके अलावा 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो कराने का ऐलान हम लोगों ने किया है, उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आज देश में जो माहौल है वो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोग तलवार बांटने में लगे हैं, हम लोग कलम बांट रहे हैं। अब लोगों को चुनना है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके जो लोग अपना राजनीति चमकाने का काम करते हैं, जो लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म से धर्म से लड़ाते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं, आज आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को उनका साथ देना है या जो लोग प्यार एकता और जो लोग कलम बांटने का काम कर रहा है, सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा है, कि आप लोग उनका साथ देने का काम कीजिएगा। जहां बिहार में चौमुखी विकास हो रहा और बिहार की धरती ने हमेशा से देश को दिशा दिशा दिखाने का काम किया, आप लोग सब लोग जानते हैं, भाजपा के लोग जहां सत्ता में नहीं आते वहां सीबीआई भी इनकम टैक्स छोड़ देता। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब उनकी सरकार नहीं थी तो सीबीआईडी लगा दी, वो नहीं लगा, काम नहीं किया तो विधायकों को खरीद लिया। महाराष्ट्र में क्या खेला कर रहे थे ये लोग जहां इनकी सरकार नहीं थी। झारखंड में क्या प्रयास कर रहे थे ये लोग जहां इनकी सरकार नहीं थी। कश्मीर में क्या किए आप लोग सब लोग जान रहे हैं, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जहां इनकी सरकार नहीं थी। दिल्ली में क्या हो रहा है हम लोग आप लोग सब लोग देख रहे हैं। तो जो ये लोग खेला खेल रहे थे, बिहार ने उल्टा इनके मुंह पर तमाचा मार करके हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाए, बीजेपी को बाहर किए, यहाँ से बीजेपी को बाहर किए। ये देश की जरूरत थी, लोगों की मांग थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए सभी विपक्षी लोगों को गोलबंद होना होगा। और वही अगस्त क्रांति के दिन पिछले साल हम लोगों ने फैसला किया, लालू जी ने, नीतीश जी ने, कि मिल करके महागठबंधन बना करके इन भाजपा लोग को बाहर करेंगे। और यही नहीं, बिहार से तो किया ही किया, और मिल करके सभी देश भर के विपक्षी लोगों को गोलबंद करके इनको देश के सत्ता से भी दूर करने का काम करना है। और रैली का उद्देश्य भी है, देश में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीबी है, हाहाकार है, और केवल सरकार जो है ये गरीबों की आम आदमी की सरकार नहीं है भारत सरकार, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है।